आज हमारे पास में एक HP का एक प्रिंटर आ रहा है, HP 400। जिस प्रिंटर इसमें क्या इशू आ रहा है कि ये प्रिंटर पेपर पिक नहीं कर रहा है। जब भी हम इसको कमांड के लिए देते हैं तो ये पेपर पिक नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप सोचते प्रिंटर से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका प्रिंटर पेपर पिक नहीं कर रहा है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके प्रिंटर में पेपर पिक करने की प्रॉब्लम आ रही है 419 प्रिंटर में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये देखिए, हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो प्रिंट कमांड देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रिंटर पेपर नहीं ले रहा है। तो इसके लिए अब आप देखिए कि हमारे टेक्नीशियन ने इसमें देख रहे हैं कि कोई पेपर प्रिंटर के अंदर कोई चीज़ तो नहीं फंसी हुई है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैंने देखा है नीचे की साइड में अगर आप देखते हैं, जब इसको आप ऊपर करते हो यहाँ पर एक कैप लगी हुई होती है। इस कैप को अगर आप धीरे से नीचे करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पर कोई लोहे की कोई चीज़ है ये जो फंसी हुई थी, इसकी वजह से ये प्रिंटर पेपर पिक नहीं कर पा रहा था। तो आप ये देखिए, ये चीज़ जो है लोहे की जो चीज़ इसमें अटकी हुई थी, इसकी वजह से ये पेपर पिक करने की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने देखा कि इसके अंदर एक जो ढक्कन होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको तो ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो और आपके सभी फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। थैंक यू।